पहले सवाल में चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। और सवाल नंबर दो में बच्चों एक बात बता दें, हम समांतर श्रेणी यानी एक निश्चित क्रम में बढ़ती हुई सीरीज, श्रेणी आगे बढ़ती हुई एक निश्चित क्रम में, इनके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं सार्व अंतर। जैसे हम कुछ भी एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे आठ और दो दस, 10 और 2 12, 12 और 2 14, तो एक निश्चित क्रम, दो दो हम प्लस करते जा रहे हैं, उनको जो प्लस कर रहे हैं उसको कहते हैं सार्व अंतर। और यहां प्रथम पद क्या है बच्चों, 8, दो दो हम प्लस करते जा रहे हैं तो ये एक समांतर श्रेणी है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी शॉर्ट में हम बोलेंगे एपी। तो आप समझ जाइए समांतर श्रेणी बोला जा रहा है। यस, तो हम अलग अलग एग्जाम्पल तेजी से ले लेते हैं। देखिए यहां पे प्रथम पद हम आपको बता दें, आपकी बुक में प्रथम पद उसको ए से प्रकट किया हुआ है, ए, और सार्व अंतर वो है डी। तो यहां पे ए कितना है बच्चों, 8, और डी इनमें गैप कितना है, 2। अगर कहीं गैप अनियमित है, 8 यहां 2 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 20 जोड़े, या कोई जोड़ा ही नहीं, तो इस तरह से ये चीज होती है बच्चों। आप समझ गए होंगे, सार्व अंतर बिल्कुल नियमित अंतराल समान हो तो वो एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। प्रथम पद ये है। इनमें पदों का ज्ञात करने का, अगर मान लीजिए हम बोले 25वां पद ज्ञात करो, 70वां पद ज्ञात करो, तो एक सूत्र है, उस सूत्र पे आधारित 5.2 है, और 5.3 में एक एसएन है, पदों का योग ज्ञात करना, एनवां पद ज्ञात करना, वो हम 5.2 में देखेंगे। आज 5.1 में साधारण से सवाल है, तो हम तेजी से एक बार थोड़ा सा हम कंप्यूटर के माध्यम से आपको एक कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। देखिएगा इधर, यस, आपके स्क्रीन पे आपको कुछ समांतर श्रेणी एपी नजर आ रही होगी। सबसे पहले पहली ए पे हम चर्चा करते हैं, 6, 10, 14, 18, 22, 26। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, प्रथम पद यहां 6 है, और 6 में फिर 4 जोड़े तो 10, 10 और 4 14 है, और 4 18 है, और 4 22 और 26, यस, एपी में है। और प्रथम पद क्या है बच्चों, 6, बहुत अच्छे। और सार्व अंतर कितना है बच्चों, 4, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, यस। और बच्चों इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप समझिए, जैसे किसी बैट्समैन ने पहली